लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ सकती है आरएलडी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के प्रस्ताव से जयंत नाराज। 3 से 4 सीट पर बीजेपी से बातचीत शुरू। जयंत चौधरी ने अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द। एनडीए की 2 सीटों पर आरएलडी को चुनाव लड़ाया जा सकता है और 1 राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबर के बीच शिवपाल यादव का बड़ा बयान। बोले जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, वो सेक्युलर। बिहार की सियासत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में बनाएंगे मास्टर प्लान। पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पटना से हुए रवाना। अमित शाह और नड्डा से भी होगी बात। एनडीए में टीडीपी की वापसी संभव। सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे चंद्रबाबू नायडू। अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। 1 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया संसद का सत्र। अब 10 फरवरी तक चलेगा सत्र। यूपीए और एनडीए कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की होगी तुलना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दिल्ली चलो आंदोलन। जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य को फंड ना देने का। दिल्ली में संसद की गांधी प्रतिमा के सामने कर्नाटक बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार पर केंद्र के फंड के दुरुपयोग का लगाया। बेंगलुरु में भी सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। झंडे बैनर लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली शराब घोटाले में 5 समन पर हाजिर नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी की शिकायत पर रामजवेरी कोर्ट आज शाम 4 बजे सुनाएगा फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप सांसद एनडी गुप्ता। केजरीवाल के पीए विभव कुमार के घर में छापा। लगातार 2रे दिन भी दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने ईडी पर लगाया आरोप। कहा 16 घंटे के रेड के बावजूद भी ईडी को कुछ नहीं मिला। ना ही कोई पूछताछ की ही, ना ही कागजी कार्रवाई। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी का एक्शन। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और कई लोगों के ठिकानों पर ईडी के रेड। ओडिशा के राउरकेला में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बड़ी तादाद में लोग राहुल की यात्रा में हुए शामिल। यात्रा से पहले ओडिशा के राउरकेला पहुंचे राहुल गांधी। वेद व्यास मंदिर में की पूजा। अखिलेश यादव की न्याय यात्रा का निमंत्रण स्वीकारने पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज। कहा जनता इन्हें नकार चुकी है, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय यात्रा। उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक पर चर्चा। आज ही विधानसभा से समान नागरिकता कानून पास होने की उम्मीद। यूसीसी पर बोले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। कहा बिल में अभी कई खामियां हैं। यूसीसी बिल समिति को भेजने की मांग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी धामी सरकार को बधाई। यूसीसी लाने पर सरकार के कदम की तारीफ। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में यूसीसी लाने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बोले समान नागरिकता कानून को लागू करने की हो रही है कोशिश। अजीत पवार गुट को पार्टी का नाम और निशान देने के खिलाफ दायर होगी याचिका। शरद पवार गुट आज खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरबार। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार गुट के समर्थकों में गुस्सा। मुंबई में अजीत पवार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। एनसीपी पर चुनाव आयोग के फैसले को संजय राउत ने बताया गलत फैसला। कहा हिटलर भी सिर्फ एक ही पार्टी चाहता था, शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन आज कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। कई चेहरे बदलने के संकेत। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत। हादसे में कई लोग घायल, कई गाड़ियां भी आई चुकी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे में घायल लोगों की मुलाकात उनसे की है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हरदा पटाखा ब्लास्ट मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी के व्यासगी तहखारी में पूजा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। आज आ सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर से अयोध्या रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था। जत्थे में 1300 श्रद्धालु शामिल। रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। फर्जी पहचान पत्र पर गृह मंत्रालय के ऑफिस में एक लड़के ने की घुसने की कोशिश। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। टेरर एंगल पर जांच जारी। पंजाब में कनाडा और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी लखबीर और रिंदा के 3 सहयोगी गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल बरामद। लोकसभा चुनाव के पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। संदिग्धों पर पुलिस की पैरी नजर।
दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार। सीमा पार से हथियार करता था सप्लाई। अहमदनगर और छत्रपति संभाजीनगर के मछुआरों का विरोध प्रदर्शन। जायकवाड़ी बांध पर प्रस्तावित सौर परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ खुला मोर्चा। हरियाणा में करनाल की टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग। करोड़ों रुपए का कच्चा सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मेहनत के बाद बुझाई गई आग। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा। अनंतपुरा इलाके से गिरी दो मंजिला इमारत। मलबे में दबे दो लोगों में एक की मौत, एक को बचाया। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ। बड़ी हाल से बारामूला तक चलने वाली टूरिस्ट ट्रेन में बैठकर खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बर्फबारी बनी परेशानी का सबब। प्रशासन ने रास्ते से बर्फ हटाने का काम किया। करगिल में फरवरी महीने में मेहरबान हुई कुदरत। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। दुधिया रंग में रंगी नजर आ रही है पहाड़ी। जम्मू कश्मीर में हाईवे पर जम गई कई फीट की बर्फ। जेसीबी की मदद से रोड से साफ की जा रही है बर्फ। कई गांव का संपर्क शहरों से।